हेलो दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं HP प्रोबुक 440 G3 मॉडल की। हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करते हैं HP प्रोबुक 440 G3 लैपटॉप का कीबोर्ड कैसे खोलते हैं और लैपटॉप के बैक साइड कवर को कैसे रिमूव करते हैं। तो दोस्तों, केयरफुली खोलें, कोई जल्दीबाजी नहीं करें। छोटी सी लापरवाही लैपटॉप को ख़राब कर सकती है, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी। अदरवाइज लैपटॉप में कोई लॉक और स्पेयर डैमेज हो गया तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी किए चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले लैपटॉप को पावर ऑफ कर ले, उसके बाद लैपटॉप की बैटरी रिमूव कर ले, और उसके बाद लैपटॉप के बैक साइड के जितने भी स्क्रू है उनको रिमूव कर ले। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये HP लैपटॉप है 440 G3 प्रोबुक। इसमें लैपटॉप की जो कुछ की है वो काम नहीं कर रही है, तो इसके लिए हम क्या है, एक जो कीबोर्ड है उसको रिमूव करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले लैपटॉप का जो बैक साइड का कवर है इसका स्क्रू निकाल ले, उसके बाद में इसको डाउन साइड में अप करके इसको आगे की तरफ रिमूव कर ले, तो इसका ये बैक साइड का कवर है वो निकल जाएगा आसानी से। और इसमें बैक साइड में कीबोर्ड के दो स्क्रू दिए हुए हैं, तो उन स्क्रू को रिमूव कर ले, और जहाँ पर जो ये कीबोर्ड के स्क्रू दो स्क्रू है उन पे कीबोर्ड का एक छोटे छोटे से आइकन बने हुए हैं, तो ध्यान से उन दोनों स्क्रू को रिमूव कर ले। उसके बाद में आपको कीबोर्ड का अपसाइड में कोई भी चिमटी से या ऐसी चीज से आगे की साइड से कीबोर्ड को अपसाइड में प्रेस करें। जैसे कि देख पा रहे हो आप इस वीडियो में, इस तरह से लैपटॉप को अपसाइड में रिमूव करना है। दोस्तों, देख पा रहे हो आप, ये कीबोर्ड है ये बाहर आ गया है। और ध्यान रखें दोस्तों, कीबोर्ड खोलते समय इसकी जो रिबन केबल है वो कट नहीं जाए, तो केयरफुली दोस्तों ऐसे पकड़ के नहीं खींच लेना है, प्रॉपरली उसके कनेक्टर को अनलॉक करके उसके बाद में इसकी जो केबल है उसको रिमूव करें प्रॉपरली, अदरवाइज कुछ बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, देख पा रहे हो कैसे स्मूथली कीबोर्ड बाहर आ गया है। और अगर आपके कीबोर्ड में भी ऐसा कभी इश्यू आए तो दोस्तों चेक कर लेना है, उसका जो कनेक्टर है उसको थोड़ा क्लीन कर लेना है। क्लीन एक कीबोर्ड में चौकी है उसके नीचे कोई डस्ट वस्ट तो नहीं आ गई है, थोड़ी हवा से उसको साफ कर ले या जो ब्रश है उससे साफ करके देख ले, तो हो सकता है अगर कुछ डस्ट वगैरह की वजह से कुछ इश्यू आ रहा है तो हो सकता है आपका जो कीपैड का प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए। तो दोस्तों, ये करके देख लेना है, देख आपने इस स्टूडियो में जाना कि कैसे स्मूथली जो कीबोर्ड है वो आप इस वीडियो में कैसे स्मूथली बाहर आ गया है। तो दोस्तों, आपको भी ऐसे स्मूथली और केयरफुली अगर कभी कीबोर्ड खोलना पड़े तो ध्यान से ये खोल लेना है। और इसका चाहे तो आप देख पा रहे हैं, ये इसका हार्ड ड्राइव है और इसका जो रैम वगैरह है उसके बैक साइड कवर खोल के आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। जैसा कि देख पा रहे हो दोस्तों, ये इसका हार्ड ड्राइव है। चाहो तो आप इसको नॉर्मली स्क्रू रिमूव करके नॉर्मली बाहर कर सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऐसी वीडियो के लिए। दोस्तों, चलो फिर मिलते हैं और किसी दूसरी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपको कुछ टेक्निकल चीज़ों के बारे में कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, थैंक यू दोस्तों।
हैं।